सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू रिएक्शन वीडियो। तो गाइस आज हम देने वाले एक बहुत बेहतरीन सी वीडियो पर रिएक्शन, जिसका नाम है फोफा गजनी और ये राउंड टू वर्ल्ड वालों की। तो आप सबको तो पता ही, राउंड टू वर्ल्ड वालों की जो भी वीडियो होती है कितनी इंटरटेनिंग और कितनी फनी वीडियो होती है। तो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहिए और मेरे रिएक्शन आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दबा के शेयर करें। और मैं किन किन वीडियो पर रिएक्शन दूँ मुझे ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आइए बिना किसी देरी के, आइए लेट्स गो। किसी ने लात मारी है? जैसा तेरा मुंह है ना, तेरी तुझे क्या क्या मारनी चाहिए। लास्ट फॉर इन टू यू, उससे किसी ने कंट्रोल। अरे यार क्या करूं, उठाऊं ना उठाऊं? अगर उठा ली तो ये पूछेंगे क्या हो रहा, क्या कर रहा। अरे ये की बात है जबरदस्ती सऊदी जामी को जबरदस्ती दी देने लगते तो। हेलो कैसा लड़े? बढ़िया फूफा, तुम बताओ। अरे हम भी बढ़िया। और कब आ रहे हो सऊदी से? अबे एडवांस हो गए मुझे तो आए मैं सऊदी से, बैग वैग पैक कर लिया है, तेरे पास भी आ रही हूँ। आ जाओ आ जाओ, घर ही हूँ मैं भी, आ जाओ। अब बताओ घर आएंगे? अरे चल जा मेरी चोटकी, चल जा, भले रास्ते परेशान करता हुआ आइए, खाओ हाँ मांग के लिए मैं, नाम का नाम करा सऊदी का ऐसा भरिया उबा। अरे क्या है बेटे मदीन, बैठो। अबे तुम्हारे यहाँ आज भी कुर्सी चल रही है? सऊदी के अंदर कालीन बिछा के इतना मोटा ताकिया कमर के पीछे लगा के यूं करके बैठे हैं शान और शौकत के साथ। उबा यहाँ तो कुर्सी चले हैं, मैं पानी ले आऊं तुम्हारे लिए? आ जा 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 बेटे, प्यासी लग रही है, हालत खुश है। लो फूफा। अबे स्टील का गिलास, सऊदी के अंदर तांबे का गिलास चल रहा है, यहाँ आज भी स्टील की चल रहा है। अबे नल गई भल्ला यार, है तुम्हारी यार, मैं गणेश हूँ। सऊदी के अंदर फिल्टर का पानी पीता हूँ मैं, और इतनी महंगी कोल्ड ड्रिंक नहीं होती है जितना महंगा पानी होता है। इतनी सारी बोतल 80 रुपए की मिल रही है। अरे ये बात छोड़ो, तुम ये बताओ तुम खाने में क्या खाओगे, मुर्गा बनवा लूं? थोड़ा मूड खराब कर दिया। सऊदी के अंदर नाम मत ले देना मुर्गे का, रैपट फिर है सऊदी में, आलू के ला लिया मुर्गा। सऊदी के अंदर पूरी प्लेट में पूरा बकरा रख के खाने चावलों के साथ, तू ऐसा कर बकरा बनवा ले मेरे लाल। चलो बकरा बनवा लूंगा। तुम्हारी अब आज भी तुम बत्तखों पे बैठो हो जरा सही की भैया, सऊदी के अंदर हाँ तेरी माँ का फूफा चाहिए, तुझे सब सऊदी में ही है, तो यहाँ के काम करवाने आए हो तुम? सऊदी में है चार, सऊदी में है चार, सऊदी में है चार, खजूर तो महीना नहीं होगी तुमसे, और सब याद है तुम्हें? ओए ओए बेटे यार, बैग में पैक करके बिल्कुल तैयार रखी थी, मैं लाना भूल गया। कल तो तेरी फूफा आ रही है, फूफा जाएंगी, फोन कर दो उन्हें। अरे फूफा तुम कब जा रहे हो सऊदी को फिर? यार क्यों सऊदी भेज दे तू मुझे, 10 साल लगा दी मैंने सऊदी में, अब मैं ये सोच रहा हूँ अपने यहीं रहूँ और यहीं कोई बिजनेस करूँ। तो क्या काम करोगे तुम फिर? विशाल खाने की दुकान खोल दूँ। ओफो कैसे झटके मारे जुल्फो को, एक पैर कवर में पड़ा पर ठहर न जा रही होगी तुम्हारी बिल्कुल भी। अरे छोटी छोटी लौंडी आके तुमसे लड़ेंगी तो चड्डी चोली दे दो तो शर्म ना आएगी तुम्हें बिल्कुल भी है। तुम तो ऐड जा मुझे भाड़ू, मतलब उम्र का कोई लिहाज नहीं है, तू ही बता दे कोई काम। तुम फूफा मेरी राय मानो ना, मैंने कंपनी दे रखी हुलुलुलु, उसमें बस तुम्हें 3,000 रुपए लगाने और 3 आदमी जोड़ने, अपनी मर्सिडीज तुम्हारी सोई है और 2 करोड़ पे। अबे इन कंपनी वाले तो पैसा बर्बाद करके मैं समझू हुआ यार, और तू फिर से गाड़ी में डूबो दे मुझे। वो 5,000 का चेक भी आ गया मेरा पहला। तो फिर तुम ब्याज का काम कर लो। अबे तुझे शर्म ना रही भाड़ू, चल तेरा बहनों ही ना लगता, तेरे अब्बा का तो बहना ही हूँ, सऊदी से आया हूँ मैं, मुझसे मेहनत मजदूरी करवाऊँ, बता
प्याज के कट्टे लेता हुआ मैं अच्छा लगूंगा। पुंपा मैं प्याज की बात ना कर रहा, प्याज की बात कर रही हूँ सूद। वो क्या कह रहे हैं दलाली? ये क्या हो पुंपा? इस काम से अपने यहाँ के आदमी बने पड़े हैं, कोठिया की कोठिया बनी पड़ी है। तुम मान लो तुम्हारे पास 1,00,000 रुपए है और तुमने वो किसी को उधार दे दिए और उसको तुम्हें 10% ब्याज देना होता। 10% होगी 1,10,000 रुपए महीने के। 1,10,000 रुपए होगी तुम्हारे, 10,000 का फायदा पूरे। और ऐसा तो है ना, तुम पे सिर्फ 1,00,000 रुपए होंगे, कमा के तो और भी लाए होंगे। ऐसे तो 50,00,000 का हिसाब है मेरे पास। 50,00,000 के फूफा एक महीने के 5,00,000 रुपए। 5,00,000? और इस काम को करा मेरे लाख। और फूफा मैं भी लूंगा तुमसे उधार पैसे। हाँ यार तू भी ले यार, कैसी बात कर रही है। और मैं तुझे सैलरी दे दूंगा 9,000 रुपए महीने की। तुम मेरे कार्ड छपा कार्ड की जरूरत ना फूफा, मेरा कॉन्टेक्ट इतना तगड़ा, एक फोन पर बने जाएंगे। चलो चलो तो फिर। फूफा फूफा यार इन्हें पैसे दे दो, मोबाइल में पता नहीं क्या कर रहे हो। मैं सदियों से इंडिया का अपना गेम सुपी खेल रहा हूँ। सुपी? ये क्या है? सुपी एक कैजुअल गेमिंग ऐप है जिसमें तुम लूडो, स्नेक्स एंड लेडर जैसे और भी बहुत सारे स्किल बेस्ड गेम खेल सकते हो। आओ मैं तुम्हें खेल के दिखाता हूँ। इसमें खेलना बहुत आसान है, देख। मैंने 1 रुपए से खेला और 20,000 रुपए जीत गया। ऊपर तुम तो जीत गए। ये पैसा विड्रॉल कैसे होगा? UPI के थ्रू इजिली विड्रॉल कर सकते हो। अरे ये तो बहुत शानदार ऐप है। अब बताता हूँ मैं तुम्हें सुपी के बारे में, किस तरह से तुम 1 रुपए से लूडो खेल के लाखों तक की विनिंग कर सकते हो। जूपे में लूडो खेलना बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है और मजे की बात यह है इसमें तुम्हें GST और TDS कैशबैक लेने का ऑप्शन भी मिलता है। जूपे में खेल सकते हो तुम 10 मिनट के छोटे छोटे गेम्स, लाखों तक की विनिंग करो और अपनी विनिंग को इजिली विड्रॉल कर सकते हो। तो जूपे पे जाओ और जल्द से जल्द लूडो खेलो और लाखों की विनिंग करो। अभी डाउनलोड करता हूँ इसको। हाँ बेटे जल्दी डाउनलोड कर। अभी ने पैसे दे दो। कितने देने? 50,000 रुपए। 50,000 पूरे हैं। आधार कार्ड ले लिया मैंने। हाँ ये काम बढ़िया करा। और कहाँ हैं? आ रहे हैं बस। बोलो जल्दी। हाँ भाई कितने पैसे बचे हैं तुम्हारे पास? प्रधान जी आपको कितने चाहिए बताइए। मुझे 10,00,000 रुपए की जरूरत है। 10,00,000 रुपए? देखिए प्रधान जी 8 लेंगे। चलो तो फिर 8,00,000 से काम चला लेंगे। 8,00,000 लो पूरा बैग ले लो। हम बैग के क्या करेंगे? लो ऊपर पूरे 50,00,000 रुपए बट गए। चल भाई ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अब मैं 30 तारीख को आऊंगा, सही है? मुझे 5,00,000 का ब्याज चाहिए। ऊपर आराम से मिल जाएंगे तुम्हारे पैसे, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। गाँव के लोग बहुत भले हैं। हाँ सही है। चल तो फिर मैं चलो घर को। हाँ चलो चलो ठीक। 30 तारीख हो गई, अकाउंट में किसी ने भी ब्याज का पैसा नहीं डाला। बात करता हूँ प्रधान जी पे ज्यादा पैसा इससे बात करूंगा। बैलेंस खत्म है, मैं दिन को कॉल करता हूँ। काट दिया। एक बार फिर से लगा दूँ। कॉल कर रहा है वो बाप, कुछ तो गड़बड़ है, जाना ही पड़ेगा मुझे। घर में चुड़ियों का बच्चा तक नहीं है, कहाँ गया होगा मती? अच्छा अब समझ गया मैं, यहाँ तो उसकी बहू है ना मती ने। हाँ अपनी बहू दवाई दिलाने ले गया दिल्ली। उसकी बहू की तबीयत भी तो ज्यादा खराब है, कम से कम 15 से 20 दिन में लौटेगा। और भैया उसके नेटवर्क भी नहीं आ रहे होंगे, इस वजह से फोन ना उठाया वो मेरा। अब क्या फायदा, मैं 20 दिन बाद आऊंगा।
अब भूल क्या लेना भाई तू मेरा? मैं सो गया था, सो गया? दुनिया चारपाई के ऊपर सोती है, तुम चारपाई के नीचे सो गया। अरे मेरा पैसा डूब गया, मेरे 50 लाख रुपए, कोई भी कर्जदार मेरा फोन उठाने तैयार नहीं है, मुझे मेरा पैसा दे दो। ए यार फूफा तुम तो टेंशन ले रहे हो, तुम्हारा भतीजा भी जिंदा, मैं दिलाऊंगा तुम्हें सारा पैसा। तुम फोन उठा रहे हो कितने दिन से? बैलेंस ना मेरे मोबाइल में। फोन नहीं चलना, तो फोन तो उठा है भालू। फूफा ये बातें क्यों कर रहे हो तुम? आओ पैसा लेने चलने। मैं तो खबर आई आज कोई फोन उठा तो आओ चल। ए भाई गाँव वालो, ये कौन सा तरीका तुम्हारा? ना तो किसी ने मेरी कॉल उठाई और ना किसी ने पैसे दिए, क्या समझू मैं? अरे फूफा गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम? जैसी मेरी इलेक्शन की गुल्लक खुलेगी ना, तुम मुझसे 10 लाख उल्टे बोल लेनी हो। फूफा मेरे काम में बहुत तगड़ा घाटा आया, जैसी पैसे मिलेंगे ना तुरंत वापस करो। देखो फूफा मेरी तो बहू की तबीयत खराब हो रही है बहुत, बहू की ठीक होती तुम्हारे पैसे दूंगा सुनना पहले। मुझे तो ठेकेदार ने भगा दिया काम पे से, तो अब क्या करूंगा मैं ये बताओ। तुम टेंशन मत लो, पैसे दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। फूफा गाँव के लोग बहुत भरोसेमंद है, सब पैसा दे देंगे, तुम टेंशन मत लो। तुम चलो मैं इनसे थोड़ा समझा कहूंगा। नाम बोलो। परीक्षा। अरे अपना नहीं, अपने आदमी का। जमीन। वो तेरी यार कहाँ गया जमीन? हाँ याद आया, जमीन पे 1.5 लाख और ब्याज लगा के 2.5 लाख। जमीन पे 1.5 लाख, दे तो दिए पैसे, कितनी बार दे मैं? भाड़ू इतनी बार तो हमारे घर में मेहमान आते, जितनी बार तू आ गया महीने में 4 चक्कर है तेरा। खोपड़ी को खुलवा कर ना सर्विस करवा ले, जनावर का मुंह देखना पड़ जा, पूरा दिन खराब जावे। दे तो दिए पैसे और कितनी बार दे मैं? पता ना कितना आजाद कर रखा बैल की तरह घूमता रहे चारों तरफ। ओ तेरी मोहतरमा, सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई, आपका पैसा आ चुका है। ठीक है मेरे 1.5 लाख रुपए कौन देगा? 1.5 लाख। आ जाऊँ 10 मिनट में। नाम? रही सर। 1 लाख रुपए लाओ। रही को ये मेरा नाम नफीस है, नफीस पे तो 70,000 रुपए है। 30 बार रुपये पैसे गजनी के गांडू, तेने गाँव में 50 लाख रुपए मांगे। करोड़ों की उगाई कर ली है, जितने रुपए की तरह उगाई करिए ना, लेकिन नहीं खोपड़ी यहाँ से डर गए। ओ तेरी यार, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इसकी जात का पैदा मारू भूल गया था। अच्छा टाइम कितना हो रहा है? क्या परेशान कर रखा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक काम करो, प्रधान जी प्रधान जी, तुम्हें किसने बांध दिया? अब मुझे कौन मान के जाएगा? गजनी मान कर मेरा ट्रैक्टर भी ले गया। उसने तो पूरे गांव को परेशान कर रखा, उसका कुछ समाधान निकालो। चलो उससे बैठ के बात करते हैं, साला चाहता क्या है? पर गजनी फूफा तुम चाहते क्या हो? मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं चला जाऊंगा। अब कितनी बार तुम पैसे लोगे? तीन बार पैसे दे दिए पूरे गांव वालों ने और तुमने पूरा गांव पीट कर फेंक दिया। अब मैं तीन समझाता क्यों ना अपने फूफा को? देखो प्रधान जी मेरा कोई मतलब ना, मुझ पर ना कोई भी कर दे इनका, अपना आप देखो। अच्छा अब तुझ पे तो सबसे ज्यादा पैसे है, मैंने सबने देख रखा, कहीं भी लिख लिया। अरे जो मुझे वक्त मिली मैंने उससे लिख लिया, मुझे मेरा पैसा दो। अरे नकीन इसके पैसे लेकर आ जल्दी। चलो मैं लेकर आऊँ फिर।
ऐसे हो रहे हैं? हाँ हो रहे हैं। ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। चलो सही वापस करिए, बड़ा सुकून मिलेगा पूरे गांव को। तुम्हारा नाम क्या है? अब इतनी जल्दी भूल गए प्रधान जी? प्रधान जी पे वारा रहा। अरे साले पहले तुझे दूं पैसे, मारो साले तुझे। तो गाइस वीडियो का हो चुका है एंड, और वीडियो ज्यादा बहुत ज्यादा इंटरटेनिंग नहीं थी, बस सही थी। वीडियो में मजा आया, ज्यादा लंबी नहीं थी, बोरिंग भी नहीं थी ज्यादा, तो मुझे तो बस ठीक लगी वीडियो। आप अपना रिव्यू देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मेरे रिएक्शन आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दबा के शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय एंड टेक केयर, लव यू।